हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराने के बाद हम आपको लेकर आए हैं माणा गांव। ये देखिए, यहां से रास्ता स्टार्ट होता है। ये देखिए बहुत भीड़ है, गाड़ी थोड़ा पीछे पार्क की हुई है, इसलिए हम जा रहे हैं पैदल। और यह है मेन गेट जो आपको सामने दिख रहा है, और सामने नदी बह रही है बगल में। इसको बोलते हैं सरस्वती नदी है, जो ऊपर से आई है माणा गांव से। और सामने आपको जो दिख रहा है, सारा आर्मी का एरिया है। ये आर्मी के लोग यहाँ पर रहते हैं, और क्योंकि बॉर्डर के पास ये एकदम बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ पर रहती है। और ये बोर्ड जो लिखा हुआ है, तगड़ा रहो लिखा हुआ है, उनका अपना साइन है आर्मी वालों का कुछ। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और ये देखिए दुकानें छोटी छोटी सी, जहाँ वुलन के कपड़े मिल रहे हैं हैंडमेड। और हम जाएंगे भीमपुल, क्योंकि हमें सुना कि गणेश गुफा और व्यास गुफा जो है बंद है, तो भीमपुल यहाँ से है 2-2.5 किलोमीटर आसपास। और रास्ते में ये सब पेंटिंग की हुई है, तो आपको सफ़र तो थोड़ा लंबा है, पर आपको लगेगा नहीं अगर आप इन पेंटिंगों को देखते हुए जाएंगे तो। ये देखिए बहुत ही सुंदर पेंटिंग की हुई है यहाँ पर। ये देखिए माणा में वेलकम, देखिए याद गाय, और ये बाबा जी और बद्रीनाथ धाम को बनाया गया है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, पूरे रास्ते भर आपको यही मिलेगा, सारी वॉल्स ऐसे ही भरी हुई हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के, और थोड़ा ही बचा है। और ये देखिए, ये मैंने वीडियो डाला है एक, ये है सरस्वती की नदी जो यहाँ से निकलती है। और ये बोलते हैं कि इसे भीम पुल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको दो चट्टानों को खींच के भीम ने ही पुल बनाया है, जो आपको दिख रहा है ऊपर। इसके जस्ट ऊपर है पत्थर, दो पत्थर आपस में मिले हुए हैं। ऐसा बोलते हैं कि जब पांडव लोग स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तो ये रिवर को क्रॉस करने के लिए द्रौपदी को दिक्कत हुई, तो उन्होंने चट्टानें खींच के आपस में पुल बना दिया, तो इसलिए इसे भीम पुल बोलते हैं। और ये गेट है, इसे स्वर्ग द्वार लिखा गया है, क्योंकि यहीं से वो लोग स्वर्ग के लिए गए थे। और ये देखिए, ये है, जब मैं 10 साल पहले यहाँ आई थी, तो ये सब था कि हिंदुस्तान का अंतिम गांव और अंतिम दुकानें, और इस समय इसको सबको प्रथम कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि प्रथम गांव है माणा, और प्रथम दुकानें, चाय की दुकान, ये वो सब कुछ बंद हो चुका है, क्योंकि कल से जो है ये लोग चले जाते हैं यहाँ से बाहर। कल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस समय कोई भी दुकानें खुली नहीं है, लोकल लोग कोई भी नहीं है, अरे सिर्फ टूरिस्ट ही दिख रहे हैं। और ये देखिए व्यू कितना सुंदर है, ऊपर ऊपर चोटियों में बर्फ़ है। और हमको हो गया थोड़ा शाम का टाइम हो गया यहाँ पहुँचने में, हल्की धूप ऊपर बची है सिर्फ, तो इस समय बहुत ठंडा लग रहा था यहाँ पर। और नदी के पास तो वैसे भी ठंडा ही लगता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।